सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। राजा वड़िंग ने नशे के मुद्दे से मान सरकार से साध्या निशाना, आप नाल गठजोड़ का फैसला हाईकमान कर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार च किया जनसंवाद, लोगों च देखा गया भारी उत्साह। सहारनपुर च कोर्ट के एक बाबू से लगे फर्जी रिहाई आर्डर बनाने के इल्जाम, पुलिस ने मामला किया दर्ज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के नारनौंद इलाके में मीह ना पैण कारण नुकसानियां फसलों का जायजा लेने के हुक्म दिए ने। उन्होंने किसानों को भरोसा दिता कि उन्होंने खराब हुई फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेंडू गलान च जनसंवाद प्रोग्राम च लोगों नाल सीधे तौर पर गलबात की। इलाके के किसानों ने मुख्यमंत्री अगे अपनी मंगा रखिया कि इस इलाके में मीह नहीं पिया तो उन्होंने फसलों सुक गई ने। मुख्यमंत्री ने माल विभाग को कर मुलांकन की गिरदावरी कराने के हुक्म दिंदे कहा कि जेकर फसल खराब है तो उसकी रिपोर्ट दी जाए। है तो खेल का मैदान ठीक है, इनका आप जो है ना एक लिख के हमें भी दे देना ताकि हम अपने पोर्टल में डाल देंगे। एक तो इनका रामसर तालाब, उसमें गंदे पानी की निकासी के लिए इनका कहना है कि जो ड्रेन है 10 इंची पाइपलाइन का उसकी ड्रेन बिछवाई जाए। पहले छोटी है, अब 10 इंची मांग रहे हैं। कौन बताएंगे? पब्लिक हेल्थ बनवा देंगे सर, बनवा देंगे 19 लाख का। चलिए बहुत बढ़िया। 33 KVA का पावर हाउस हमारे MP साहब ने विषय रखा था, मेरे पास भी लिखा हुआ है। पावर डिपार्टमेंट बताया क्या है मामला, अभी आई है जी, जी। तो इसका देखो, जरूरत है तो उसका एस्टीमेट बना के भेजो पावर डिपार्टमेंट को। राइट सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उगालन से बुआना रोड, ये जो 5-6 रोड्स हैं इन्होंने बताइए भाई, जरा PWD के लोग बताओ। उगालन से बुआना, उगालन से बड़छप्पर और उगालन से मेन रोड जींद भवानी रोड तक। बुआना का 6 किलोमीटर का सर कच्चा रास्ता है, 5 करम का सर। अच्छा, PWD तो हमारे नॉर्म्स में नहीं सर, मार्केटिंग बोर्ड बना सकता। इस 5 करम को अगर 6 करम का करा दो या आगे भी चौड़ा करने की जरूरत हो सकती है, 6 का 7 करा दो। 1 करम इधर वालों से ले लो, 1 करम उधर वालों से ले लो। और भी कोई रोड है सर? उगालन से बड़छप्पर में भी सेम 5 करम है सर। उगालन से बड़छप्पर ये भी यही समस्या है जी सर। और उगालन से मेन रोड जो जींद रोड है सर, उसकी कारपेट का हमारा एस्टीमेट रेडी है सर। रेडी है? यस सर। चलिए इसको बनाओ, पक्का करो। उगालन से बकलाना रोड है सर, वो भी हमारा एस्टीमेट रेडी है सर। इसका भी एस्टीमेट बन गया? यस सर। चलिए एक दूसरी रोड ये पक्की हो गई भाई, उगालन से बकलाना सर। एक और सर इनकी उगालन से खांडाखेड़ी रोड तक है सर। हाँ? वो भी 2018 में बनी थी सर, उसका भी एस्टीमेट रेडी है। पक्का है? वो भी 5 साल हो गए उसको भी। हाँ सर। ठीक है, तीसरी रोड ये हो गई। तो देखिए 3 रोड अपने आप डिपार्टमेंट ने मान ली कि आपके 3 रोड ये पक्की हो जाएंगी। होशियारपुर च पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूबा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पहुंचे, जिथे उन्होंने वालों नशियां के मुद्दे से आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरिया गया, जम के भगवंत मान सरकार की खिली उड़ाई गई। इकट्ठ को संबोधन करदे राजा वड़िंग ने कहा कि चोणों तो पहला अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान पंजाब चो सिर्फ 3 महीनों च नशा खत्म करने का दावा करते थे, परंतु अज पंजाब च नशा खत्म का की होना, बल्कि 4 गुना ज्यादा नशा पंजाब च वधिया। उन्होंने कहा कि पंजाब च नशियां का जन्मदाता अकाली दल है, उसकी नलायकी कारण अज पंजाब के हालात बने ने। आम आदमी पार्टी की सरकार नाल गठजोड़ ते बोलदे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हाईकमांड जो भी फैसला लवेगी उस मुताबिक ही चलिया जाएगा, तो उन्होंने पूरा यकीन है कि हाईकमांड अपने आगुआ ते वर्करां तो बाहर नहीं जाएगी। नवजोत सिद्धू गठजोड़ का समर्थन करन दे सवाल ते बोलदे उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू दे इस प्रति अपनी निजी राय, परंतु पंजाब च पार्टी हाईकमांड मुताबिक ही चलेगी। तकड़े होके इंडिया अलायंस बने हैं, और यही गल है कि पंजाब की देश की डेमोक्रेसी तो पंजाब के
आप पंजाब दे संविधान नू बचाना, देश दे संविधान नू बचाना। जे देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो यह देश बचेगा। इसे करके सब लोग इकट्ठे हुए। एक देश दा नाम बदलने दी गल कीती जा रही है। तुसीं मीडिया चैनल वाले मेरा खैर खबरां नहीं सुनते, मगरले 26 दिनों तो एक ही गल मैं कह रहा कि साडा हाई कमांड सुप्रीम है, पर साडा किसे प्रकार दा कोई आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ नहीं है। सिद्धू साहब हक दे विच ओदे नितर रहे नजर आ रहे ने। हर बंदा निजी है। नहीं कल सर हाई कमांड आपको अगर हरी झंडी दे दे आपको इतराज नहीं होगा यहां पे? हाई कमांड ऐसे हमारी हरी झंडी नहीं देती है। पहले तो सुन बताता हूँ, घर का जो मुखिया होता है, जो मेरा पिताजी होगा अगर घर में, वो पहले अपने चार बच्चों से बात करेगा भी भैया ये मैंने नई जमीन लेनी है क्या करना है। तो अगर चारों के चारों बच्चे कहेंगे कि हमने ये नहीं लेनी है, मालवा में नहीं लेनी, हमने दुआबा में लेनी है, तो मुखिया अपने बच्चों के मुताबिक फैसला लेगा। इतनी बात ही कहना चाहिए। सहानपुर सीजीएम कोर्ट दे एक बाबू ते फर्जी रिहाई दे आदेश बनाउण दे इल्जाम लगे ने। जानकारी दिंदे होए सहानपुर दे एसपी सिटी अभिमन्यु मंगलिक ने दसिया कि सीजीएम कोर्ट दे एक बाबू खिलाफ फर्जी रिहाई दे दोष च थाना सदर बाजार च एफआईआर दर्ज कीती गई सी, जिस दे आधार ते जिला जज वल्लों जांच कमेटी दा गठन कीता गया ते इस संबंधी एफआईआर दर्ज करके बनदी कारवाई कीती जा रही। जिला जज सहारनपुर हैं, उनके द्वारा ये जांच कमेटी गठन किया गया था, जिस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आउटकम में ये दो एफआईआर वहाँ पर सदर बाजार थाने में रजिस्टर हुई हैं, जिसमें सीजीएम कोर्ट में एक जो बाबू हैं उनके द्वारा ये पाया गया था कि उन्होंने फर्जी रिलीज ऑर्डर बनाए थे। तो इसी क्रम में दो एफआईआर वहाँ पर रजिस्टर हुई सदर बाजार थाने में, संगत धाराओं में 420, 68, 409 उसमें धाराएं लगी हुई आईपीसी की, और इसके आगे एफआईआर दर्ज करके इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। फाजिलका के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने जिले के किसानों को अपील की कि सरकार वालों पराली प्रबंधन वाली नवी मशीन सरफेस सीडर से सबसिडी प्राप्त करने लिए तुरंत अप्लाई करन। उन्होंने दसिया कि इसलिए ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी मिति 10 सितंबर 2023 है। उन्होंने कहा कि जिले में 200 मशीन वाली सबसिडी दी जानी है, हुण तक 124 किसान अपनी अर्जियां दे चुके हैं। डीसी ने दसिया कि इसलिए किसान ऑनलाइन पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं, इस संबंधी जेकर किसी किसान को कोई मुश्किल आ रही हो किसान संबंधित ब्लाक के खेतीबाड़ी दफ्तर का रबता बना सकते। फाजिलका जिले नूं प्रदूषण मुक्त बनाउण लई डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सेनू दुग्गल ने झोने की खेती करने वाले पिंडां दे स्कूलां विच चार चार विद्यार्थियों नूं वातावरण मित्र बनाया गया, जो पिंड वासियां ते लोकां नूं पराली नूं अग ना लगाउण बारे जागरूक करनगे। डीसी ने कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों के बच्चों ते अध्यापकों वल्लों पराली ना साड़न की जागरूकता लोगों विच फैलाउण दा प्रण लिया जा रहा है, ते इसे कड़ी तहत ही अज जिले के वख-वख सरकारी स्कूलों विच विद्यार्थियों ने जिथे पराली ना साड़न बारे पिंड वासियों नूं जागरूक करन दा प्रण लिया, उत्थे पराली ना ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। सहारनपुर क्लॉक टावर तो मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शहर के सेहत अधिकारी अशोक प्रिया गौतम वालों हरी झंडी दिखा के फॉगी मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके मेयर ने वख-वख वार्डां लई 20 वाहनों नूं हरी झंडी दे के रवाना किया। महानगर में बुखार, टाइफाइड ते डेंगू आदि के वध रहे प्रकोप के मद्देनज़र निगम वालों घंटा घर तो फॉगिंग की विशाल मुहिम शुरू की गई है। मेयर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने दसिया कि फॉगिंग मुहिम लगातार 10 दिन तक जारी रहेगी। हिसार जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 3 दिन सफल जनसंवाद प्रोग्राम समाप्त होया। 3 दिन मुख्यमंत्री ने 9 वड्डे पिंडां च सैकड़े लोगों नाल गलबात की। इस बार जनसंवाद प्रोग्रामां विच औरतां ते नौजवानों की शमूलियत देखने को मिली। विधानसभा हलका नानौन के पिंड गुराणा विच भी सवेर तो ही जनसंवाद प्रोग्राम लई औरतां पहुंचियां हुई सन। अपने 6 साल के बच्चे नाल आई मंजू ने दसिया कि वह पहली बार जनसंवाद विच आई है। वह पिंड दीआं पढ़ियां लिखियां औरतां नूं रुजगार के मौके मुहैया कराउण की मांग करन आई सी। उसने कहा कि उसनूं उम्मीद है कि उसकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर लगेगा। सर यहाँ पर सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, तो लोगों को यहाँ पर अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं, उनको उनका समाधान यही कह रहे हैं कि समाधान तत्काल किया जाएगा। अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ आमने सामने बात हो सर, उस समस्या का समाधान हो, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती सर और कुछ भी।
मैंने थुराना में भी देखा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा मुख्यमंत्री साहब का। उसके बाद दाना कला में भी देखा है, बच्चों ने भी आवाज़ उठाई, उनकी भी बात सुनी गई। और सर जैसे फार्मर्स हो गए और वुमेन्स हो गई, उनकी भी प्रॉब्लम है, हमारी ताई चाची जी सबकी, तो सब ने आवाज़ उठाई, हम भी अपनी बात रखने आए हैं। थाना मजीठा रोड अमृतसर दी पुलिस वालों तेज तार हथियार दिखा के राहगीरां नूं डरा धमका के लुटा खोहा करन वाले गिरोह दा पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने पांच मैंबरी गिरोह दे चार मैंबर काबू किए ने, पंजवें साथी दी भाल च छापेमारी जारी है। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि गिरोह दे मैंबर रात 12 बजे तो सवेरे 7 बजे तक राहगीरां नूं दातर दिखा के डरा धमका के उन्हां पासों मोबाइल, पर्स, पैसे ते वाहनां दी लुटखो करदे सन, जिन्हां खिलाफ पहलां भी कई मामले दर्ज ने। इन्हां चार दोषियां नूं मानयोग अदालत विच पेश कर तरन तारण के पिंड सबरां तो टुटे बन्न नक्का लाने तो बाद पिंड मुठेवाला विखे पे 300 फुट पाड़ जयकारन की गूंज नाल संपर्दा बाबा जीवन सिंह दे मुखी बाबा जगतार सिंह ते महेंद्र सिंह दी योग अगवाई हेठ इलाका वासियां दे सहयोग नाल पूर दिता गया। हालांकि बन्न की पकाई का काम अजे कुछ दिन होर चलेगा। जानकारी दिंदे पिंड वासियां दस्सिया कि हरीके दरिया विच ज्यादा पानी आने के कारण पिंड मुठेवाला तो करीब 2 महीने पहला बन्न टुट गया सी। बन्न टुटन कारण 5000 एकड़ तो वध फसल बर्बाद हो गई, लोगों के घर डिग गए, पर प्रशासन वालों कोई सहयोग नहीं दिता गया। प्रशासन का कोई भी अधिकारी अज तक उन्हां दी सार लैण नहीं पहुंचा। इलाका वासियां ने दस्सिया कि बाबा जगतार सिंह वालों बन्न नूं संपूर्ण करवा के इलाके के लोगों नूं दूजा जीवन दिता गया। दिल्ली विच होण जा रहे G20 सम्मेलन नूं लैके दल खालसा वल्लों अमृतसर विच इक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। आगुआं ने कहा कि दुनिया के वख-वख देशों के आगू अज G20 सम्मेलन विच पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिथे भारत ने G20 प्लेटफार्म से अपना बीबा चेहरा दुनिया दिखाना चाह रहा है। इसे नूं लैके दल खालसा ते अमृतसर श्रोमणी अकाली दल वल्लों G20 सम्मेलन के बराबर प्रोग्राम किया जाना सी। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन विच घट गिनती भाईचारियां दे लोगों नूं सद्दा किया गया सी, पर भारत वल्लों एक बार फिर घट गिनती कौमां दी आवाज़ नूं दबाउण दी कोशिश की गई ते सरकार ने उन्हां दा प्रोग्राम रद्द किया है, जिसका वह विरोध कर। पंजाब दी नामी संस्था गुरु नानक कॉलेज बुढ़लाडा विखे नन्नी छां चैरिटेबल संस्था ते एम्स बठिंडा दे सहयोग नाल कैंसर जागरूकता सैमीनार करवाए गए, जिस विच मुख मेहमान दे तौर ते बीबी हरसिमरत कौर बादल, मैंबर पार्लीमेंट ते साबका फूड प्रोसैसिंग कैबिनेट मंत्री भारत सरकार शामिल हुई। खास तौर ते डॉक्टर सपना पट्टी मुखी एम्स बठिंडा ते डॉक्टर सविता कैंसर स्पैशलिस्ट एम्स पहुंची। जीआई नूं आखदे प्रिंसीपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि संस्था दीआं प्राप्तियां संबंधी उन्होंने निशाना पाया। बीबी बादल ने कहा कि कैंसर बहुत भयानक बीमारी है ते इन्नी वड्डी पद्धर ते फैलिया हुआ कि हर नौवें बंदे नूं इसने अपनी लपेट विच लिया हुआ ते साढ़े इतना सदका बठिंडा विखे पूरे हिंदुस्तान विच पहला एम्स इत्थे स्थापित होया, जिथे बहुत घट पैसों नाल इलाज हुंदा है। इस मौके डॉक्टर सपना पट्टी ने कॉलेज कैंपस विच नन्नी छां सैल ते राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के सहयोग नाल दरखत लाउण दी मुहिम दी शुरुआत की। हुण नजर मारदे आं अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दाली खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दियो इजाजत, धन्यवाद।